पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, ठीक, यानी पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, ठीक है। हमें समझना है, हमें इस अभी क्या चालू हुआ है, कौन सा चैप्टर चालू हुआ है, संख्या पद्धति, यानी हमें चैप्टर अभी नाइन्थ का चालू नहीं हुआ है जिसमें हम पढ़ रहे हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में आपका आता है, इसके पिछले बार हम पढ़ाए थे कि इसके पहले हम प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक, पूर्ण, धन और धनात्मक, इसके बारे में बताए थे। जो कुछ बाकी है अभी, फिर उसके आगे हमें पढ़ाना है कि पूर्णांक संख्या कितने होते हैं। हमें क्या जानना है, पूर्णांक संख्या कितने होते हैं, तीन, ठीक। पूर्णांक संख्या कितने होते हैं, तीन, जिसमें पहला होता है धनात्मक, दूसरा होता है शून्य और तीसरा होता है ऋणात्मक। पहला होता है धनात्मक, दूसरा होता है शून्य और तीसरा होता है ऋणात्मक। धनात्मक का मतलब होता है किसी प्राकृतिक संख्या में प्लस का चिन्ह लगाया जाए या पॉजिटिव लगाया जाए तो वह धनात्मक संख्या होती है। फिर शून्य, शून्य तो आप जानते हैं कि उसे जीरो से इंडिकेट किया जाता है, उसे जीरो से निरूपित किया जाता है तो वह शून्य संख्या होती है, ठीक। उसके बाद ऋणात्मक, ऋणात्मक यानी ऋणात्मक क्या है, ऋणात्मक जिस प्राकृतिक संख्या के पहले पूर्ण संख्या में माइनस लगाई जाती है प्राकृतिक संख्या में, वह क्या कहलाती है, वह ऋणात्मक संख्या कहलाती है, ठीक। उसके बाद जैसे मैं समझ लिया ऋणात्मक, तो माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन, यह सब क्या हो गया, ऋणात्मक संख्या हो गया। फिर उसके बाद हमें रूट या अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, क्या लिखा है, रूट या अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो हमने लिखा है वैसी संख्या जिसमें एक या स्वयं से भाग लगे, अन्य किसी संख्या से उसमें क्या हो, भाग ना लगे, उसे क्या कहते हैं, योग या अभाज्य संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जिसमें क्या हो, एक के अलावा, यानी एक के अलावा उसमें क्या हो, दूसरे किसी संख्या से उसमें भाग ना लगे और उसमें स्वयं हो। वैसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा अन्य में अन्य संख्या से भाग ना लगे, उस संख्या को क्या कहते हैं, रूट या अभाज्य। जैसे मैं आप समझिए, सात, सात में जब भाग कीजिएगा केवल एक से ही भाग लगेगा, और सात में सात से ही भाग लगेगा, वह केवल चार से नहीं लगेगा, चार से भी सात में नहीं लगेगा, क्योंकि पूर्णतः वह विभाजित नहीं होगा, उसमें क्या होगा, शेष बचेगा, इसलिए क्या होगा, सात सात जो होगा आपका क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा आपका, सात जो होगा आपका रूट हो जाएगा, यो रूट या अभाज्य संख्या सात हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, ग्यारह हो जाएगा, तेरह हो जाएगा, पाँच होगा, तीन होगा, और इसके अलावा और भी अनंत तक होगा, ठीक है। दूसरा हमें तीसरा क्या जानना है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, दो, सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो होती है, और दो क्या है, एक सम संख्या में भी गिनती होती है, दो सम संख्या में गिनती होती है। तीसरा पॉइंट है स अभाज्य संख्या क्या है, तीसरा क्या है, अगला पॉइंट है स अभाज्य संख्या। हमने डिफिनेशन में या परिभाषा में दिया है, दो या दो से अधिक प्राकृतिक संख्या जिसमें एक के एक केवल गुणनखंड हो और उसका मात्रक क्या हो, एक हो, उसे क्या कहते हैं, स अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए दो या दो से अधिक प्राकृतिक संख्या जिसमें कि एक केवल गुणनखंड हो और उसका मात्रक एक हो, उसे क्या कहते हैं, स अभाज्य संख्या कहते हैं। वैसी दो या दो से अधिक प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या जिसमें एक केवल गुणनखंड हो और उसका गुणनखंड मात्रक क्या हो, एक हो, उसे सभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। जैसे मैं आप ले लीजिए सात, नौ,
जब सात और नौ का जब गुणनखंड टूटिएगा तो क्या होगा, एक होगा, यानी सात का गुणनखंड क्या होगा, सात गुना एक। नौ का गुणनखंड भी कितना होगा, नौ गुना सात गुना एक हो गया, और नौ का क्या होगा, डबल होगा। लेकिन सात और नौ का जब आप गुणनखंड तो मसल निकालिएगा तो इसका मसल कितना होगा, मान लो सात नौ दो होगा, दो तीन छ एक और दो में एक से भाग लीजिएगा, यानी क्या होगा, इसका मास एक। उसके बाद अगला है जुड़वा, जुड़वा जुड़वा तो जुड़वा कहने से क्या होता है, दो एक साथ दो। जुड़वा अभाज्य संख्या क्या है, क्या है जुड़वा अभाज्य संख्या, क्या है वैसा अभाज्य संख्या, वैसा अभाज्य संख्या जिसका अंतर दो हो, वैसा अभाज्य संख्या जिसका अंतर दो हो और उनका जुड़वा अभाज्य संख्या, उन्हें जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। वैसा अभाज्य संख्या जिसका अंतर क्या हो, दो हो, उन्हें जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे तीन और पाँच हमने परिचय में लिखा है, डिफिनीशन में लिखा है कि अंतर क्या हो, दो। उसी प्रकार तीन और पाँच का अंतर क्या है, दो। ग्यारह और तेरह का क्या है, दो। तो यह क्या हो गया, जुड़वा अभाज्य संख्या। उसके बाद है सम संख्या क्या है, ठीक, सम संख्या क्या है, वैसी संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित हो, यानी दो दुनी चार, जब दो से चार में भाग कीजिएगा क्या होगा, पूर्णतः विभाजित हो जाता है, ठीक। और इसके चार छ आठ और उदाहरण होंगे, ठीक है, तब मेहनत कीजिए और पढ़िए, ठीक है, और जहाँ दिक्कत होता है वहाँ पे पूछिए, ठीक। कहा गया है कि कड़ी से कड़ी जोड़ो तो जंजीर बन जाती है, कड़ी से कड़ी जोड़ो तो जंजीर बन जाती है, और मेहनत पे मेहनत करो तो क्या हो जाता है, तकदीर बदल जाती है। और इसके अलावा और भी कहा जाता है, आपकी आदतें ही आपकी क्या है, भविष्य है। आप जिस तरह की आदत डालिएगा उस तरह आपका क्या होगा, फ्यूचर सेट होगा, आपका भविष्य बनेगा। ताड़ी खाना के पास जाइएगा तो क्या होगा, ताड़ी खाना से ही जुड़ेगा भविष्य। दो नंबर किसी काम से करते हैं तो क्या होगा, दो नंबर, यानी वह उससे ही जुड़िएगा। इसलिए अपनी आदत को ऐसी जगह डालिए जो आपकी मंजिल को क्या हो, पूरा करे, मंजिल तक पहुंचाए। तो आपका लक्ष्य और पूजा आपका कर्म क्या है, जो आप जो काम करते हैं वही कर्म है, ठीक। आप पढ़ाई कर रहे हैं, भगवान के दोस्त को पूजा करने से कोई मतलब नहीं है, लेकिन जिस काम को कर रहे हैं उसी को अच्छी तरह से आप अंजाम देंगे तो वही आपका भगवान है, ठीक। यानी जिस काम को आप करते हैं, भगवान भी नहीं कहते हैं कि पूजा करके आओ हमारा काम मत करो, भगवान यो कहलन कि पूजा कीजिए और काम भी, सबसे पहला क्या है, कर्म है, कर्म ही पूजा है। आप पढ़ाई कीजिएगा अपने आप भगवान खुश होंगे कि चलिए मेहनत कर रहा है तो मेहनत का फल ही मीठा होता है।